मिलवाऊंगी आप लोगों मेरी मम्मी से। ये एवरीवन वेलकम बैक इन माय चैनल, हैप्पी दिवाली आप सबको। कैसे हो आप लोग, दिवाली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या क्या आप लोग इंजॉय किए, सब कुछ आप लोग बताना। वैसे मैं ये ब्लॉग बहुत मतलब लेट से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली की प्रिपरेशन हम लोग को सबको करनी थी और बहुत टाइम के बाद में मतलब 1.5 महीने के बाद में मैं अपने घर पर वापस आ चुकी हूँ। और कैसे कैसे आई हूँ आपको वो भी ब्लॉग देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेट से देखने को मिलेगा क्योंकि अभी मुझे पोइचा का तीनों पार्ट अपलोड करना है, दिवाली का ब्लॉग अपलोड करना है, बहुत सारी चीज़ों को अभी आप लोगों के साथ शेयर करना है। उसके बाद में मैं देखिए कब ये ब्लॉग जाता है, जब मेरा दिवाली का जो ब्लॉग है कब जाता है। अब वैसे मेरी नेल पेंट कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताना। के दिन मुझे मिला है बहुत ब्यूटीफुल सा गिफ्ट, जो कि है ये है स्वीट्स। मुझे तो बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि मुझे दिवाली के दिन स्वीट्स मिलने वाला है। वैसे मैं कुछ अलग लग रही हूँ ना, ट्रेडिशनल है ना, तो इसमें ये स्वीट्स है। वैसे मैं स्वीट ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत बहुत टेस्टी दिख रहा है। तो शायद मैं इसको खाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसका टेस्ट। वैसे टेस्ट तो वैसा ही होगा, लेकिन हाँ ये गिफ्ट है तो बहुत अच्छा है। इसलिए घर की डेकोरेशन देखना है बाहर से, तो चलिए ले चलती हूँ मैं आपको उधर। को दिया गया है Redmi 9A एंड मम्मी का देखते हैं क्या एक्सपीरियंस, मतलब अभी तो मतलब पूछते हैं कि उनको कैसा लगा। ठीक है, आज मैं मिलवाऊंगी आप लोगों मेरी मम्मी से। ये है मेरी मम्मी, मम्मी को आज हम लोगों ने दिया है Redmi 9A। तो मम्मी आपको कैसा लगा फोन? बहुत अच्छा लगा। तो मम्मी भी कैमरा फेस मतलब ऐसे नहीं करती हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन मम्मी को फ़ोन बहुत अच्छा लगा था। और जब उनको हम लोगों ने फ़ोन दिया था, तब मम्मी को मतलब आँख में आंसू आ गया था। और मतलब अभी उनको फर्स्ट टाइम नहीं ऐसा एंड्रॉइड फ़ोन तो दूसरी बार दिया, लेकिन जो फर्स्ट टाइम दिया था उसको मेरे भाई ने ले लिया होता। आपको पता ही, जब मम्मी के लिए कुछ आता है तो उसमें सब लोग मतलब अपना अपना करने लगते हैं कि मेरा है मेरा है मेरा, तो कश ने ले लिया था उसको। और सेकेंड टाइम मम्मी के लिए फ़ोन आया है, तो वो है मम्मी का। और बहुत खुश हूँ मैं आज की, आज मेरी मम्मी के पास फाइनली फ़ोन आ गया है। और आप लोगों को मिलूं बहुत दिनों के बाद काजू से। ये है काजू। जब से मैं सुल्तानपुर आई हूँ तब से मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है। ये है जूही, है काजू। आप लोग भूल गए होंगे, जूही नहीं जूही। हाय, बोलो हाय गाइस। हाय, बहुत दिन बाद मेरे व्लॉग में काजू बोल रहे हैं।
छोड़ लिया, अभी बारी है स्वीट्स की, अभी खाएंगे, खाऊंगी मतलब मैं स्वीट्स। अभी तक मैंने इसको टेस्ट भी नहीं किया हुआ, तो मैंने बोला था ना आपके साथ टेस्ट शेयर करूंगी कि इसका कैसा है, क्योंकि सबका वैसा ही होता है और मैंने पहले भी खाया है, बट मुझे इस दिवाली में पहला यही एक गिफ्ट मिला हुआ है, इसकी वजह से आई एम सो एक्साइटेड। गिफ्ट कैसा भी है बहुत अच्छा लगता है, तो ये स्वीट्स है बहुत अच्छा है। वैसे ना मेरे बहुत सारे व्लॉग में मैंने आप लोग का भी बता दूं, मैं व्लॉग बनाते टाइम मुझे पता नहीं क्या होता था, मैं लंच को डिनर, डिनर को लंच, कुछ ना कुछ ऐसा ही कर लेती हूँ, लेकिन अभी तो जरा डिनर कर ली ये सूरन की सब्जी। मतलब हम लोगों में ऐसा होता है कि ये खाना इंपॉर्टेंट होता है दिवाली के, पता नहीं आप लोगों में होता है कि, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। कैट दिस कैंडल कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसमें मतलब इसमें होता है बैटरी, इसको लगा देना होता है, जो कि मेरे घर पे बहुत ढेर सारी लगी हुई है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है देखने में, और गाइस बहुत ज़्यादा देर तक चलता है। वैसे गाइस मैं हर वीडियो में बहुत ही ज़्यादा बोलती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, एकदम रियल लगता है, बहुत ज़्यादा अगेन बहुत सुंदर लगता है मेरे घर पे, बहुत ढेर सारा। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने दिवाली को सेलिब्रेट किया, जैसे ज़्यादा कुछ मैं शेयर नहीं कर पाई, मैंने सोचा था छोटा सा व्लॉग शेयर करूँ, क्योंकि आजकल के व्लॉग जो है मेरे 10 मिनट के ऊपर ही जा रहे हैं सारे व्लॉग्स, और अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसकी वजह से मैंने सोचा था छोटी छोटी क्लिप्स आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ दिवाली के इस व्लॉग में। इसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा पोइचा का पार्ट 2, उसके बाद 3rd, एंड उसके बाद करवा चौथ का व्लॉग, बहुत ज़्यादा लेट, बहुत ही ज़्यादा लेट आप लोग को देखने को वो भी मिलेगा। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून। आई होप आप सभी को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ इस तरीके से सिंपल तरीके से हम लोगों ने दिवाली को सेलिब्रेट किया हुआ था। वैसे कोरोना के बाद से सभी फेस्टिवल्स ऐसे मतलब अजीब तरीके से लगने लगे हैं, उस तरीके की वाली फीलिंग नहीं आती, लेकिन हाँ हम लोगों ने जितना भी किया मतलब अच्छा ही करने की कोशिश किया हुआ है इस बार। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, बाय, आई लव यू।